नशाखोरी भारतीय समाज में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हृदय की पवित्रता एवं विचारों की शुद्धता के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। अंततः इस नशा मुक्ति के उद्देश्य को लेकर 16 दिसंबर 2022 को सुभाष शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति द्वारा नवजोत कॉन्वेंट स्कूल पिपरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा छात्र छात्राओं को नशे व उससे होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई एवं नशा न करने हेतु शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सुभाष शुक्ला, समिति के सचिव सचिन शर्मा, समिति के सदस्य सलीम खान एवं स्कूल के प्राचार्य श्री अखिलेश सोनी, शिक्षक शैलेश सोनी आदि उपस्थित रहे। छोड़ दिए हो, ठीक है ना? अच्छा, घर में कौन कौन पीता है? तुम्हारे पापा, मम्मी? कोई नहीं पीता। बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीते? और तुम लोग कैसे बच्चे हो? माउथ भी कैसे कुछ नहीं पीते? अच्छा, गुटखा कौन कौन खाता है? तुम नहीं खाते? तुम्हारे घर में? घर में भी नहीं खाते? कैंसर हो जाता है तो अच्छी चीज है ना? कुछ नई चीज मिली, नई चीज भी नहीं अच्छी, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छी नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। जैसे तुम लोगों ने छोड़ा है वैसे ही उनको भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना? तो उनसे कौन बोलेगा छोड़ने के लिए? बोलोगे आप? मारेंगे नहीं? नहीं। इतने से हो कि मुझसे बोल देना छोड़ना? नहीं मारते। चलो बढ़िया। देखो, सभी लोगों को पता है कि नशा एक बुरी चीज है, ठीक है ना? नशे से क्या क्या होते हैं? जैसे छोटा नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू, इनसे क्या होता है? आगे चल के बड़ी बीमारियां होती है। छोटा सा नशा होता है लेकिन बीमारी बहुत बड़ी होती है। बड़ी बीमारी में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी होती है? कैंसर। ठीक है ना? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जिसको कैंसर हो गया समझो वो टिकट उसका चढ़ जाता है, रिजर्वेशन ऊपर हो जाता है, कुछ दिनों के अंदर वो ऊपर चले जाता है, ठीक है ना? उसके बाद दारू पीने वाले, दारू पीने वालों का हाल देखा होगा तुमने, वो लोग कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? सड़कों पे, नालियों में, ठीक है ना? तो अच्छा लगता है, देख के नहीं लगता? नहीं लगता। आपको ऐसा सड़क किनारे गिरा हुआ व्यक्ति मिलेगा, नाली में कहीं पर भी, उसको क्या बोलना? उसको उठाना, उसका मुंह धुलाना, उनसे बोलना कि अंकल अगली बार कहोगे? फिर वो तो नशे में रहेगा तो मार देगा, क्या क्यों कौन है क्या अचानक? फिर क्या करना है इसके लिए? उसको छोड़ दो। लेकिन अपने घर में अगर कोई ऐसा बंदा है, पापा है, मम्मी है, बहन है, दीदी है, भैया है, जो भी अगर ऐसा करता है, उसको तुम लोग बोल सकते। क्या बोलोगे? नशा नहीं करो, छोड़ दो, ठीक है ना? निकिता वरम्मे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।